आपकी रूम जो इस न्यूज़ मेकर जो क्रिकेट होने वाला है उसके बारे में? वेल एज आई सेड इवन बिफोर कि ऑब्वियसली वुमेन और ज्वेलरी का तो एक लिंक है, सो वेयर दिस ज्वेलरी वुमेन हैव टू बी देयर एंड स्पेशली व्हेन देयर इज दिस प्लेस वेयर वुमेन आर इंक्रीज्ड अ लॉट एट पार विद मेन, सो ऑब्वियसली आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ एनी इवेंट व्हिच हैज वुमेन एट पार विद मेन एंड आई लव द रूल्स व्हिच सेज दैट वुमेन ओपनिंग करेगी और आउट फॉर तो वुमेन ही आएगी एंड ऑल, सो आई एम अ वेरी वुमेन ओरिएंटेड पर्सन इन माई थॉट, सो आई लव दिस एंटायर वुमेन कॉन्सेप्ट in the entire match. I think it's a fantastic idea to integrate women into cricket, and where better than a jewelers cricket league. So I think it's a great idea, and I honestly don't know that many rules of cricket because I've never played, but I would love to play one day and hopefully succeed in cricket. सबसे पहले तो मैं न्यूज मेकर्स को एक बहुत ही बड़ा हेड्स अप और कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो एक बेहतरीन और अलग तरीके का क्रिकेट ज्वेलरी इंडस्ट्री में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पिछले चार सालों से, एंड इट वॉज ग्रेट फन एंकरिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर देम. एंड ये जो गेम है इनका बॉक्स के अंदर है, बहुत अलग है, इसमें दो वुमेन हर टीम में होना जरूरी है, तो मेरे ख्याल से ये वुमेन को बहुत ही अच्छी तरह से क्रिकेट के गेम में ढाल रहा है, उतार रहा है, एंड आई थिंक दैट्स फैबुलस फॉर वुमेन. आई लाइक एनी अदर वुमेन लाइक एवलिन एंड पूजा बिलीव इन गर्ल पावर, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड आई लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट एंड मे दे रॉक. हाय एवरीबॉडी, आई एम शाहरुख खान, वॉच मी ओनली ऑन facebook.com/businessofcinema.